हेलो बच्चों, आज मैं एक ऐसे जगह पे आई हुई हूँ जहाँ की मुझे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है उस काम के लिए, जिस काम को करवाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और जिस परिसर में बैठ के मैं उस व्यक्ति का इंतजार कर रही हूँ जो मेरा काम करेगा। तो वो परिसर में काफ़ी कबूतर हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कबूतर की पूरी झुंड है, और ये लोग दाना चुग रहे हैं, और वो भी पेपर में जो वृक्ष के नीचे। और आप देख रहे होंगे बच्चों कि वृक्ष के नीचे कितनी अच्छी धूप और छांव है, और इसके बीच में ये जो कबूतर है, अरे ये क्या हुआ, मेरे पैर की आवाज़ सुन के ये सारे कबूतर कहाँ जाके बैठ गए मालूम है, पेड़ पर बैठ गए हैं। और मुझे देखिए मैं फिर से इनके पेड़ पर से उतरने का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं ये कबूतर कब उतरेंगे, फिर भी मैं वेट तो करूँगी। हाँ, ये हुआ ना, ये देखिए बच्चों, एक एक कबूतर फिर से पेड़ के नीचे वन बाय वन आने लगे हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये पेड़ पर से किस तरीके से उतर रहे हैं एक एक करके। ये देखा आपने पेड़ पर से ये किस तरीके से नीचे आ रहे हैं। और ये देखिए, ये पेड़ के नीचे धूप और जो हल्की हल्की सी धूप के पीछे छांव है उसे फिर से आके, और इस बार मैंने सोच लिया कि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और सिर्फ आनंद लूँगी कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और चलिए बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ पर कबूतर के बारे में 5 खास बातें बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने कबूतर की बात छेड़ी है तो ये तो बनता है कि मैं आपको कबूतरों के बारे में कोई 5 ऐसी चीज़ बताऊँ जो कि आप बहुत अच्छा से नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। पहली बात, एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में कबूतरों की संख्या लगभग 40 करोड़ है। दूसरी बात, सफ़ेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। तीसरी बात, कबूतर 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। चौथी बात, इनके देखने, सुनने और पहचानने की क्षमता असाधारण होती है। पांचवी बात, इनके उड़ने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नए विषय के साथ बातों बातों में, और तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।